सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड फाइनली आज की एक और टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो के साथ में। तो गाइज, आज की वीडियो में ऐसे फीचर के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि आप हर गन के लिए एक अलग सेंसिटिविटी बना सकते हो। एंड गाइज ट्रस्ट मी यार, अगर इस फीचर को सही से यूज किया जाए ना तो ये गेम प्ले पे बहुत ही ज्यादा एक अच्छा इफेक्ट डाल सकता है। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी में हम चले जाते हैं, एडवांस सेटिंग्स में आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको ये वाला फीचर देखने को मिल जाएगा। बाकी यार गाइज, इस चीज के बारे में आपको और भी मैं चीजें बताऊं, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। इस वाली वीडियो को लाइक एम हम रख रहे हैं भाई 8000 लाइक्स, तो फटाफट से सभी लोग जो देख रहे हैं ना वो लाइक वाले बटन को जरूर से दबा देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली एंड गेम प्ले वीडियोस के लिए। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस यार देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस फीचर को आपको यूज कैसे करना है एंड क्यों इसको यूज आप कर सकते हो। तो आपने मेरी M4 4X का स्प्रे देखा, एकदम लेजर जा रहा है, कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आ रही है। लेकिन गाइस अगर वही बात करें हम DP4X की, तो यहाँ पे जो 4X के साथ मेरा स्प्रे है ना, इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं जा रहा है। एंड DP को अगर जानते हो ना आप चलाना, तो भाई आपको पता होगा अगर कम सेंसिटिविटी हमारी होती है ना तो ज्यादा अच्छे हमारे बर्स जाते हैं। एंड यहाँ पे तो आप देख सकते हो एकदम बहुत ही ज्यादा हिल रहा है स्कोप। एंड गाइस ऐसे में एक दिक्कत ये आ जाती है कि भाई देखो मेरी M4 का स्प्रे एकदम अच्छा जा रहा है, तो अगर मैं 4X की सेंसिटिविटी घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा DP के लिए तो यहाँ पे फिर मेरी M4 का स्प्रे खराब हो जाएगा, तो ऐसे में दिक्कत आ जाती है। लेकिन अगर ये वाला फीचर हम यूज करते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ DP के लिए हम अलग सेंसिटिविटी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेंसिटिविटी में आके जो है यहाँ पे आ जाना है एडवांस सेंसिटिविटी में, और फिर LMG में जाके आपको DP सेलेक्ट कर लेनी है। लाइट मशीन गन में मिलेगी आपको DP, और यहाँ पे जो है मैं थोड़ी सी अभी सेंसिटिविटी जो है कम कर देता हूँ, क्योंकि DP को मैंने बताया आपको 4X में है ना, जो कम सेंसिटिविटी रहेगी ना तो आप दूर दूर तक जहर बस मार पाओगे। तो यहाँ पे मैंने ADS की सेंसिटिविटी कम कर दी जायरोस्कोप की, एंड जायरोस्कोप की भी अब थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ 4X के लिए। एंड अब यहाँ पे जो हमारी सेंसिटिविटी है ना सिर्फ और सिर्फ DP के लिए, वो तैयार हो चुकी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रे मार के देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो अब मेरा जो स्कोप है ना भाई, वो एकदम बढ़िया जा रहा है, और यहाँ पे M4 का भी जो स्प्रे है ना वो एकदम लेजर जा रहा है। तो भाई दोनों ही गन्स की अलग अलग सेंसिटिविटी हो चुकी है। गाइस देखो, दोनों ही गन्स पे आप सेम स्कोप यूज करोगे ना तो सेम सेंसिटिविटी अप्लाई नहीं होगी। सपोज करो आपने DP अभी पकड़ी हुई है, तो DP की सेंसिटिविटी उसके ऊपर अप्लाई होने लग जाएगी अपने आप। एंड अगर आप M4 जैसे आप पिक करते हो उसके ऊपर 4X लगाते हो, तो भाई M4 की अपनी खुद की जो सेंसिटिविटी थी पहले वाली आपकी, वो अप्लाई होने लग जाएगी। तो गाइस देखो, एग्जांपल एक और दे देता हूं मैं आपको। तो सपोज करो भाई M4 6X पे आपका स्प्रे एकदम लेजर जाता है, जैसा कि मेरा जा रहा है, कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आ रही है, दूर दूर तक बंदे में स्प्रे से इजीली गिरा सकता हूं। लेकिन अगर बात करें भाई Barrel 6X की, तो भाई Barrel 6X में आपको चला के दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसा कि आप देख सकते हो बैरल का स्प्रे भाई इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं जा रहा है 6X के साथ में, तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप बैरल के लिए जो है अपनी सेंसिटिविटी ठीक करने जाओगे तो भाई आपकी M4 का स्प्रे खराब हो जाएगा। लेकिन भाई ये फीचर की मदद से आप दोनों ही गन्स के लिए अलग सेंसिटिविटी बना सकते हो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। तो करना कुछ नहीं है, सेटिंग्स में आपको चले जाना है, देन गाइस आपको सेंसिटिविटी में चले जाना है। सेंसिटिविटी में राइट हैंड कॉर्नर पे आपको एडवांस सेटिंग्स मिलेगी, वहां पे चले जाना है। यहाँ पे देखो बैरल AR में आती है, तो AR में चले जाना है, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ बैरल। और बैरल की भाई देखो मुझे 6X में दिक्कत आ रही थी, अगर आपको कोई और स्कोप में आती है तो उसकी सेंसिटिविटी आप छेड़ सकते हो। तो यहाँ पे 6X ही मैंने बढ़ा दी ADS सेंसिटिविटी, और जायरोस्कोप की भी सेंसिटिविटी मैं बढ़ा सकता हूँ, जैसे कि मैं जायरो यूजर हूँ। और अगर आप नॉन जायरो हो तो भाई आप नॉन जायरो की भी सेंसिटिविटी छेड़ सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो भाई मेरा जो स्प्रे है ना एकदम लेजर हो चुका है। एंड भाई मेरी जो दूसरी गन है ना M4, उसमें भी मेरा जो स्प्रे ना वो लेजर रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही गन्स के लिए 6X के लिए अलग सेंसिटिविटी अप्लाई हो रही है। तो बैरल जैसे ही पकड़ोगे ना तो तुम्हारी सेंसिटिविटी 6X की 400 हो जाएगी, और अगर जैसे तुम M4 पकड़ते हो तो तुम्हारी जो 6X की सेंसिटिविटी थी वो 300 हो जाएगी। और ऐसा तुम सारी ही सेंसिटिविटीज के लिए कर सकते हो। गाइज अगर एक और एग्जांपल की बात करें, तो देखो मिनी अगर आप चलाते हो ना, तो मिनी में भाई आपको अगर सेंसिटिविटी ज्यादा रखनी है तो वो ज्यादा 8X की तुम रख सकते हो वहाँ पे, या 6X की रख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें स्नाइपिंग भी 19 स्कोप के साथ करनी है तो 6X भाई तुम उनका कम कर सकते हो, या फिर स्नाइपिंग के लिए तुम्हें 8X में थोड़ी सी कम स्नाइप वो चाहिए, सेंसिटिविटी चाहिए, तो वो भी तुम कर सकते हो। तो ऐसे हर गन के लिए हम स्पेसिफिक कोई अलग सेंसिटिविटी बना सकते हैं। सो या गाइस यार, ये थी वीडियो हमारी आज एडवांस सेंसिटिविटी सेटिंग्स के बारे में। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। बाकी अभी तुम मेरा नूब गेम प्ले एंजॉय कर सकते हो।
करिए। बाहर गया हो? पीछे से गाड़ी है ये, कुत्ते बंदे कुत्ते की साइड है तू कुत्ते में देखो। हाँ नहीं, राइट में, राइट में। We're falling hard to find.